हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ में चैप्टर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई हैं आपने इसको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले आप देखिए जो हमें इक्वेशन दी गई है टू रूट एक्स एंड थ्री अपॉन रूट बाई इज इक्वल टू टू फोर अपॉन रूट एक्स माइनस नाइन अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू वन तो बेटा इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं क्लियर है बेटा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन यही नंबर आ जाएगा ओके इसलिए हमने इस तरह से इसको राइट किया दोनों इक्वेशन को आप राइट करेंगे इस वे से फिर आप क्या करेंगे पुट करेंगे वन बाय रूट एक्स जो है वो आपके पास p है एंड वन बाय रूट वाई जो आपके पास q है ठीक है आपने पुट किया ये p आ गया और ये q और ये टू आ गया फोर पी माइनस नाइन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन आ गया ठीक है इसमें पुट कर लिया तो आप इसको इक्वेशन वन दे दो इसको टू और इसको थ्री और इसको फोर ठीक है बेटा अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्यों हमारे पास p का जो कॉफिशेंट है वो यहाँ पे फोर है और यहाँ पे टू है तो अगर हमने इसको फोर बनाना है तो टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको है ना मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बाय टू तो टू से किया फोर पी प्लस थ्री टू जिक्स क्यू इज इक्वल टू फोर ठीक है तो ये हमारी होगी फिफ्थ इक्वेशन ओके बेटा अब आप क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम फोर इक्वेशन ठीक है बेटा फिफ्थ को फोर से आप निकाल देंगे ठीक है माइनस नाइन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन हमारे पास है फोर पी प्लस सिक्स क्यू इज इक्ल टू फोर तो आपने माइनस किया इसको माइनस माइनस सारे साइन आ गया आपके पास ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास बन गया माइनस फिफ्टीन क्यू और ये हो गया माइनस फाइव आप देख रहे हैं माइनस है इस साइन को नहीं देखना आपने नीचे वाले को देखना माइनस माइनस प्लस और साइन बढ़ेगा माइनस माइनस प्लस ठीक है ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू आ जाएगा हमारे पास फाइव अपॉन फिफ्टीन तो कैंसिल किया आपने वन बाई थ्री आ गया ठीक है तो इसी को आप पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में पुटिंग क्यू इज इक्वल टू वन बाई थ्री इन इन थर्ड इक्वेशन ठीक है थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर रहे हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ये है हमारे पास तो टू पी प्लस थ्री क्यू है वन बाय थ्री आ जाएगा इज इक्वल टू टू तो ये कैंसिल हो गया टू पी यहाँ पे प्लस लिखेंगे आप प्लस वन इज इक्वल टू 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 पी इज इक्वल टू टू माइनस वन टू पी इज इक्वल टू वन पी इज इक्वल टू वन बाई टू ठीक है पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वन बाय टू अभी हमने ऊपर लिया था जो रूट एक्स था वो हमारे पास क्या था पी एंड रूट वाई जो था वो हमारे पास क्या था क्यू वैल्यू पुट करेंगे रूट एक्स ये आ जाएगा वन बाय टू और क्यू की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास वन बाय रूट वाई इजिकल टू क्यू की वैल्यू वन बाय थ्री तो वन बाय थ्री आ गई यहाँ पे अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों तो ये टू आ जाएगा ये रूट एक्स इधर आ जाएगा थ्री आ जाएगा और रूट वाई आ जाएगा आप क्या करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ठीक है स्क्यरिंग ऑन बोथ साइड बोथ साइड आपने स्केयरिंग ली टू का स्केयर हो गया और ये स्केयर हो जाएगा थ्री का स्केयर और इसका स्केयर स्केयर से स्क्यर रूट कट हो जाता है आपका बेटा ठीक है तो एक्स हमारे पास फोर इज इक्वल टू एक्स आ गया और थ्री थ्री जन नाइन इज ल टू वाई आ गया लास्ट में आप लिख लेंगे हैंस एक्स इज एकवल टू फोर एंड y is equal to 9. Okay, beta. Thank you.